एक एक पेटिशनर नहीं ना जब तक ये करेगा तब तक नहीं, अगर एक पेटिशनर बच जाएगा तो केस चालू है। पहले उधार ना होगा ना, पहले हम ही गेलु अगर दानी बात जब देखलुआ जा गेलवा खाली काहे लगे ओजा देखे गेलवा तो हमरा से भड़क गेलवा ओजा देखली कि चश्मा पहन के मारुति से उतरी थे समझे ना उतरी थे एकदम लाइफ स्टाइल एकर अलग। तब हम कहली ना कि ओ ई तो दलाल आगे आवे यहाँ ना ना, हम पहले से कहली कि हम जाए थी कोर्ट भाई हमार खानदानी वकील समझू सिंह समझे ना, एक बार केस लड़के जितवैलन हल एक बार अब की हदास मत न हो मजा लीजिए समझे ना, आपसे कुछ कह रहे हैं केस के पास सुनते जाइए। फिर ओकरा बाद वहाँ से आया तो धीरे 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 अर्चना के ले आकर के पूरा केस करवा दिया संगीता के। हम उठ के सबसे पहले केस करने वाले हम, जब हम आए तो हमारे साथ 26 गो लड़की जुटे समझे सब मुजफ्फरपुर के लोग सब, आज सब केस कौनो नहीं आती है। तो दोस्तों वीडियो आप देख लिए, इसी वीडियो को कल गलत तरीका से स्टूडेंट के द्वारा वायरल किया जा रहा था, जो कि इस वीडियो में बैठी हुई है जो लेडीज वह हमारी बहन सपना दी है और इन लोग को समझा रही है। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जो खड़ी है, जो सुन रही है, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट है। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट कह रही है हम लोग 5 लाख रुपया खर्च किए और यहाँ तक पहुँचे। तो सपना दी कह रहे हैं जो हम लोग सिंगल वैन से लेकर यहाँ तक अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 35 दिन धरना पर बैठे रहे, तो उस समय आप लोग को नहीं दिखा और आज आपको अपना दुख दर्द दिख रहा, बस उनको समझा रहे हैं और लोग इसको गलत तरीका से वायरल कर रहा है समझे कि, इसलिए हम वीडियो क्लिप आपको लगा दिए हैं समझे। जो गलत तरीका से इसको वायरल कर रहा है, जो क्वालिफाइड और संविदा NM में झगड़ा हो गया कल पटना हाईकोर्ट में हर चीज़, और ये गर्दनी बाग के जो वीडियो हम आपको दिखाई, ये गर्दनी बाग के वीडियो है जहाँ पे बहस हुआ था, ठीक है वह बहस अलग हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ, हम तो बोल ही दिए बहस में क्या हुआ था, ये वीडियो दूसरा समझे कि नहीं। और इसको सोशल मीडिया पर लोग जो है वायरल कर रहा है और गलत तरीका से वायरल कर रहा है, बताया जा रहा है इसमें ये है ये है ये है और है कुछ नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, हर चीज़ नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो गया, लोग को जो वायरल करना है वायरल करने दीजिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा ओरल नोटिस जो जारी किया है, चलिए ओरल नोटिस के बारे में बता रहे हैं, ओरल नोटिस क्या है आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों ओरल नोटिस हम डाउनलोड कर लिए, चलिए ओरल नोटिस के बारे में हम अच्छा से आपको समझा देते हैं ओरल नोटिस होता क्या है। तो कल के डेट में जितना केस मर्ज हुआ है, हर चीज़ हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट 18 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट जारी करेगा तो इसी सब केस पर जो है लागू होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप आगे देख लीजिए, केस नंबर आपके सामने में है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर देख लीजिए द स्टेट ऑफ बिहार और वर्सेज जो अर्चना कुमारी का केस है देख लीजिए यहाँ पर। तो इस बार यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में, जो कि देख लीजिए सिंगल मैच में था 14,755 केस, उसी को डबल मैच में चैलेंज किया गया है। दूसरा केस है देखिए सरिता कुमारी वाला, ठीक है, जो कि 17,653 है, देख लीजिए द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज सरिता कुमारी। उसके बाद चलिए तीसरा देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके सभी हम आपको बताएंगे। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में है रीता कुमारी का केस है, देख लीजिए द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज रीता कुमारी, केस नंबर भी आपको लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए हम आपको एक एक करके सभी बताते हैं, जितना केस को मर्ज कर दिया गया है कल, इसी सबको मर्ज किया गया है ताकि 18 अप्रैल को फाइनल जजमेंट पटना हाईकोर्ट दे सके। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आरती कुमारी का है, उसके बाद नीचे देखिए और आपको ही पता होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर अनिता कुमारी का केस है, यही अनिता कुमारी केस में जो है मौली सर लड़ रहे हैं और ये हम आपको बताए हैं सबसे ऊपर, ये अर्चना कुमारी केस में हमारे अभिनव श्रीवास्तव सर हैं। तो चलिए आगे बता रहे हैं, आगे देख लीजिए ये सपना कुमारी केस है, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये सपना कुमारी का केस है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा कुमारी, उसके बाद अर्चना कुमारी, उसके बाद रूबी कुमारी, अर्चना कुमारी, ठीक है, और देखिए नीचे देख लीजिए जो जो केस लड़ रहे हैं सभी जो है वकील का नाम है, नीचे आप देख सकते हैं कितना वकील है आपके सामने में, सभी का नाम है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, और आपके सामने में भी लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव सर है ना, ठीक है, LPA देख लीजिए 238 में, ठीक है, जो अर्चना कुमारी का केस है कौन लड़ रहे हैं, अभिनव श्रीवास्तव सर, ठीक है,
चलिए आगे देख लीजिए फिर LPA 241 जिसमें है हमारे जो है वकील साहब है मिस्टर शंभु शरण सिंह जो लीडिंग कर रहे हैं इस केस का। उसके बाद चलिए आगे देख लीजिए तो यही 6 पेज का जो है कल जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है ओरल नोटिस जारी किया गया। हर केस में देखिए सबका नाम दिया गया है कौन ठीक है कौन वकील है कौन वकील केस लड़ रहा समझे कि नहीं। तो यही है तो आप इन लोगों को जो है जितना ये केस मर्ज हुआ है तो पटना हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट देगा तो सभी केस पर जो है लागू होगा समझे कि नहीं। यही ओरल नोटिस है इसके अलावा अब जो भी केस होगा हर चीज़ होगा कुछ नहीं होगा। आप लोग जो घबरा रहे हैं सर 8 तारीख के डेट में 9 तारीख के डेट में सर केस हुआ है कल के डेट में जो केस हुआ है कुछ नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है होने दीजिए क्योंकि जितना केस अभी मर्ज हुआ है ये टोटल 6 पेज का है इसी सबको इसलिए मर्ज किया गया है ताकि 18 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट दे सके और इसके लेके हम आपको पूरी बता चुके हैं हर एक चीज़ हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। दूसरी बात हम आपको बताते हैं जो अभी हम एक वीडियो दिखाए हैं सबसे पहले वीडियो दिखाए है उसमें सपना कुमारी बैठी हुई है और क्वालिफाइड स्टूडेंट खड़ी है और सपना कुमारी क्वालिफाइड स्टूडेंट को समझा रही है तो ये क्वालिफाइड स्टूडेंट कह रही है जो हम लोग 5 लाख रुपया खर्च किए हैं तो सपना कुमारी बोले हम लोग जो है सिंगल वैन से लेके यहाँ तक हम लोग खर्च करके आ रहे हैं और ये जब भी बहाली होगी 2018 के रूल के ही अकॉर्डिंग बहाली होगी तो यही लोग बोल रहे थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो बस इसी वीडियो को गलत तरीका से लोग वायरल किया है हर चीज़ किया है ठीक है जो लोग झगड़ा किया है आपस में ये किया है वो किया है मतलब गलत तरीका से अफवाह फैलाया इस सब पे आपको विश्वास नहीं कर रहा है इसलिए हम ओरल नोटिस आपको दिखाए और यह वीडियो हम आपको दिखाए। चलिए आगे हम बात करते हैं थैंक यू। दोस्तों देख लिए ये ओरल नोटिस कल यही सभी केस को मर्ज कर दिया गया है और इसी का जो है फाइनल जजमेंट आपको पटना हाईकोर्ट 18 अप्रैल को देंगे ठीक है और फाइनल जजमेंट आएगा और सभी केस पर मान्य होगा इसलिए जो है सबको मर्ज कर दिया गया। उसके बाद जो भी लोग कह रहा है जो 5 केस हुआ 7 केस हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं अब कुछ नहीं होने वाला नाइट में भी बता दिए और अभी भी बता दिए कुछ नहीं होने वाला है फाइनल जजमेंट 18 अप्रैल को आएगा और बता ही दिए पी के साई सर जो है अंतिम आदेश मांग रहे थे तो वो भी अंतिम आदेश उनको कैसे मिले जो भी आदेश मिलेगा हर चीज़ मिलेगा तो हम लोग मिलेगा 2018 के रूल पर यह वैकेंसी क्लियर होगा हर चीज़ होगा तो फाइनल आपको जो है 18 अप्रैल को जजमेंट आए अब कोई सुनवाई नहीं होगी कोई बहस नहीं होगी जो भी बहस होना था हो चुका ठीक है और कोई गलत तरीका से बता रहा है जो 2-3 डेट और मिलेगा ये होगा वो होगा उस सब पे आपको बिलीव नहीं करना है विश्वास नहीं करना ठीक है जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए जिसको जो करना है करने दीजिए ठीक है थोड़ा भी आपको परेशान नहीं होना है थोड़ा भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। अभी 12 बजे आते हैं लाइव तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो हम बता दिए गर्दनी बाग वाले वीडियो को लोग कैसे वायरल कर रहा है और नोटिस में लोग क्या बता रहा है सभी कुछ हम आपको जानकारी दे दिए सभी कुछ हम खंडित कर दिए ठीक है तो जिसको जो वायरल करना है वायरल करने दीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है। हम लोग को फाइनल 18 अप्रैल को जजमेंट मिलेगा उसके बाद ये 2018 के नियमावली पर वैकेंसी क्लियर होगा इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं जिसको जो करना है जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए और 12 बजे हम लोग लाइव आते थे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने भाई का टारगेट को अचीव कीजिए क्योंकि ये भाई आपसे जो वादा किया था वो वादा ये भाई पूरा किया अब बहन के बारी है वादा पूरा करने का इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और 12 बजे लाइव जोड़ना नहीं भूलिएगा क्योंकि डिटेल्स में सभी हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं।